नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ सांभर मसाला। सांभर मसाला बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। चना दाल 1 चम्मच, उड़द की दाल 1 चम्मच, कटा नारियल 4 इंच, सूखा अदरक 1 इंच, साबुत लाल मिर्च 8 से 10, साबुत धनिया 2 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, राई 1.5 चम्मच, काली मिर्च 0.5 चम्मच, दालचीनी का टुकड़ा 2 इंच, करी पत्ता 15 से 20, चक्री या दगड़ फूल 2 से 3, लौंग 10 से 12 नग, मेथी दाना 0.5 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, जैवित्री 2 से 3 नग, हींग 0.5 चम्मच, तेल 0.5 चम्मच। सबसे पहले गैस जलाएंगे और पैन में तेल डालकर गरम करेंगे। अदरक और चने की दाल डालकर 30 सेकंड तक कम आंच पर भून लेंगे। अब इसमें उड़द दाल डालेंगे और 30 सेकंड तक चलाते हुए भून लेंगे। धनिया, राई, जीरा, सौंफ, साबुत लाल मिर्च, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जैवित्री, मेथी दाना, चकड़ी डालकर 1 मिनट तक कम आंच पर चलाते हुए भून लेंगे। नारियल, करी पत्ता डालेंगे और 30 सेकंड तक चलाते हुए भून लेंगे। हींग, हल्दी डालकर 30 सेकंड तक चलाते हुए भून लेंगे। अब गैस को बंद कर देंगे और सामग्री को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मिक्सी जार में मसाले को डालेंगे और मिक्सी को चलाते हुए बारीक पीस लेंगे। मसाला पीसकर तैयार हो चुका है। प्लेट में छलनी रखकर मसाले को छान लेंगे और हवा बंद डब्बे में भर कर रख लेंगे और जब आपका मन चाहे तब आप इसका सेवन सांभर बनाने में कर सकते हैं। आप इसमें नमक डालकर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। यदि आप इसमें नमक ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है। आप इसको बनाकर 4 से 5 महीने के लिए रख सकते हैं। चाकू की मदद से नारियल का छिलका उतारकर मोटा मोटा काट लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट maankirasoi.net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।